हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास। आज हम 4 मार्क्स के लिए CSIR UGC NET JRF दिसंबर 2019 में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन की आस्किंग ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे जिससे कि हम इस तरह के क्वेश्चन बना सकें। तो क्वेश्चन को समझते हैं। द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द बैथे नोटेशन। द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जिसे बैथे नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इन द टेबल इज इक्वल टू द फॉलोइंग सुपरपोजिशन ऑफ द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द C2 पॉइंट ग्रुप। तो हमें यहाँ पे ये एक कैरेक्टर टेबल दे रखी है क्वेश्चन में, इसे कैरेक्टर टेबल कहते हैं। अब इस कैरेक्टर टेबल में हमें यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है C2B पॉइंट ग्रुप के लिए, और हमें इसे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है। तो पहले थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि C2B का मतलब यहाँ पे क्या होता है। C2B एक पॉइंट ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ C2B के लिए, फॉर पॉइंट C2B ग्रुप। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास CNB पॉइंट ग्रुप है तो CNB जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक CN और एक होता है N σB। यहाँ पे CN की अगर हम बात करेंगे तो CN होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि मॉलिक्यूल को आप कितने किस एक्सिस के अराउंड कितने डिग्री पर रोटेट कर रहे हो यहाँ पे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। और सिग्मा बी जो होता है दैट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिस इज द एक्सिस, एक थ्री डायमेंशनल एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अगर मॉलिक्यूल को अगर यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से रोटेट करेगा मॉलिक्यूल, और अगर यहाँ पे जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो यहां पे रोटेट करेगा, और वाई एक्सिस के अराउंड यहां पे रोटेट करेगा। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल का, H2O। तो सपोज हमने करा कि यहां पे फर्स्ट जो हाइड्रोजन एटम है वो H1 है, और सेकंड हाइड्रोजन जो है वो H2 है। तो अगर यहां पे अगर हम यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहां पे खींचेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस होता है जो कि मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये क्या है हमारे पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमने यहाँ पे खींचा हुआ है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है किसके यहाँ पे पैरेलल है, वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो मतलब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये है कि अगर मॉलिक्यूल को बीच से यहाँ पे काटा जाए तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और एक मॉलिक्यूल ऐसा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा भी आएगा कि मॉलिक्यूल को अगर प्लेन ऊपर से काटा जाए, मतलब ऊपर से अगर हम इस काटेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल से दिखाया हुआ है कि अगर हम नाइफ से वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर से कट करेंगे तो यहाँ पे फिर भी वाटर मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है दो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल को जेड एक्सिस के अराउंड अगर C2 रोटेशन कराते हैं, C2 रोटेशन का मतलब 180 डिग्री का रोटेशन कराते हैं, तो ये जो H2 एटम है वो H1 के प्लेस पर आ जाएगा, और H1 एटम जो है वो H2 के प्लेस पर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल इस सैंपल मॉलिक्यूल के लिए इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल का काम करेगा। अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल में फिर से अगर हम C2 यहाँ पे कराते हैं, मतलब 180 डिग्री रोटेशन कराते हैं, तो फिर से H1 यहाँ आ जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे सैंपल मॉलिक्यूल जैसा ही है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जो मिल रहे हैं वो 180 डिग्री के रोटेशन से मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे C2 रोटेशन है। 2 यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है, जिसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, n इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जैसे 360, और आपने कितने डिग्री पे रोटेशन कराया है, जैसे कि 180 पे कराया हुआ, तो 180 का डिवाइड करेंगे 360 में, तो 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रोटेशन का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया, C2। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर आया, तो यहाँ पे C2 एक्सिस या फिर C2 जेड एक्सिस यहाँ पे रोटेशन कह सकते हैं। जेड एक्सिस यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमने रोटेशन जो लिया हुआ है जेड एक्सिस के अराउंड लिया हुआ है। ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में CN रोटेशन है, CN यहाँ पे N क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अगर CN रोटेशन है तो या तो उसमें 0 सिग्मा भी होगा, सिग्मा भी क्या होता है, सिग्मा प्लेन को शो करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को, जो मैंने आपको बताया एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला है और एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो या तो 0 सिग्मा भी होगा, या अगर 0 सिग्मा भी होगा तो उसका यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या होगा हमारे पास, CN, या फिर उसमें n सिग्मा भी होगा, यानी कि n नंबर ऑफ सिग्मा भी, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगा किसके बराबर होगा, ऑर्डर के बराबर होगा, n के बराबर। और अगर n सिग्मा भी है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, CNB। अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि C2 यहाँ पे रोटेशन था, तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वाटर मॉलिक्यूल के लिए वो क्या होगा, C2B होगा। सिग्मा भी का ध्यान रखना है, सिग्मा भी क्या होता है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम क्या करते हैं कि इस कैरेक्टर टेबल को लेकर के हम क्या करने वाले हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, अगर हमें कैरेक्टर टेबल में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये दिया है।
अब निकालने का तरीका क्या होता है वो देखेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, बस आना चाहिए। ये क्या है, ये दिस इज द ई फॉर द आइडेंटिकल। ये सब जो है सिमेट्री एलिमेंट है, ई हो गया, सी टू हो गया, एक्चुअली ये सी टू जेड होता है, एंड सिग्मा भी, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड सिग्मा भी डैश, यानी कि यहाँ पे दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो E हो गया, C2 हो गया, सिग्मा B हो गया, सिग्मा B डैश हो गया, तो ये सब क्या है, सिमेट्री एलिमेंट है, और ये इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो जैसे कि सपोज अगर हम A1 का नंबर निकालेंगे कि यानी कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो कितना A1 यहाँ पे आएगा, तो वो निकालने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो भी कोफिशियंट है जैसे कि 8, उसके हम यहाँ पे नंबर, यहाँ पे A1 का जो भी कोफिशियंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 × 1, और फिर उसका जो भी यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट है वो जितनी भी बार है, जितनी बार परफॉर्म किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए E जो है कितनी बार परफॉर्म हुआ, ओनली 1 टाइम, मतलब 1 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे 8 × 1 × 1, ऐसे ही जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे माइनस टू के लिए करेंगे तो माइनस टू और इंटू वन और इंटू वन, क्योंकि सी टू भी 1 टाइम है। फिर माइनस 6 × 1 × 1, क्योंकि सिग्मा भी 1 टाइम है। उसके बाद वहां पे 4 × 1 × 1, तो इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे A1 के लिए, A2 के लिए, B1 के लिए, B2 के लिए, सबका हम यहाँ पे ऑर्डर चेकआउट करेंगे। तो लेट अस बी डू, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है नाउ कन्वर्जन ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो उसे करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने निकाला यहाँ पे n, यानी कि ऑर्डर किसका, A1 का। तो यहाँ पे क्योंकि 4 यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे 8, ये 8 कहाँ से है आपको पता है, 8 यहाँ से है, 8 × 1 × 1, तो यहाँ पे 8 × 1 × 1। फिर यहाँ पे −2 × 1 × 1, तो −2 × 1 × 1, फिर यहाँ पे −6 × 1 × 1, तो यहाँ पे −6 × 1 × 1, फिर यहाँ पे 4 × 1 × 1, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ −2 आ जाएगा, यहाँ −6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। यानी कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है, यानी कि A1 का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह के लिए A2 के लिए भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे A2 के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 × 1 × 1, −2 × 1 × 1, −6 × −1 × 1, 4 × −1 × 1, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A2 का जो ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से B1 के लिए सॉल्व करेंगे तो B1 के लिए क्या आएगा, 8 × 1 × 1, एंड −2 × −1 × 1, एंड −6 × 1 × 1, एंड 4 × −1 × 1। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0, यानी कि B1 का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, 0। अब B2 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 1 × 1, −2 × −1 × 1, एंड −6 × −1 × 1, एंड 4 × 1 × 1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो A1 का ऑर्डर आया 1, A2 का हमारे पास आया 2, एंड B1 का 0, एंड B2 का कितना आया, 5। तो यहाँ पे इरिड्यूसिबल पॉइंट ग्रुप जो होगा फॉर द गिविंग पॉइंट ग्रुप टेबल, तो कितना आ जाएगा, A1 का यहाँ पे ऑर्डर कितना था, 1 था, A2 का कितना था हमारे पास, 2 था, एंड B2 का कितना था, 5। तो यहाँ पे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या आ जाएगा, A1 2 टाइम्स A2 एंड 5 टाइम्स ऑफ B2। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, सेकंड वाला, यानी कि बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे A1 प्लस 2 टाइम्स A2 एंड 5 टाइम्स ऑफ B2। तो इस तरह से हम पॉइंट ग्रुप के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़।